जम्मू कश्मीर से भी पहला परिणाम आया है, क्या परिणाम है तुझा? जम्मू कश्मीर से पहला परिणाम सामने आया है। बसोहली विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार है चौधरी लाल सिंह, वो हार चुके हैं। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट कांग्रेस को सौंपी थी और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह हार चुके हैं। और यहां पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं दर्शन कुमार, वो करीब 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो भले ही ये जो पहला परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उनके रुझान आपको बता दें, जिनके भी परिणाम नहीं आए हैं सामने, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये जो गठबंधन है यही बढ़त बनाए हुए, करीब 50 से 51 सीटें, ये बदल रहा है आंकड़ा क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है। तो यानी कि कुल मिलाकर 50 से 51 सीटें ये गठबंधन के खाते में ही आती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 28 से 27 सीटें। लेकिन पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस प्रत्याशी की यहां से हार, बसोहली विधानसभा सीट। एक बार बताओ दिशा, अमूमन जब परिणाम बताया जाता है कौन जीता इसके विषय में बताया जाता है, आपकी दिलचस्पी हार बताने में रही, कोई खास वजह? मेरी दिलचस्पी हार बताने में इसीलिए रही क्योंकि जो बाकी विधानसभा सीटें हैं वहां पर इस गठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यहां पर इनकी बढ़त है। लेकिन ये सीट जिस पर पहला परिणाम आया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और गठबंधन की हार हुई है, इसीलिए मेरा फोकस हार पर था। अब एक बड़ा अद्भुत संयोग है, हरियाणा में कांग्रेस पीछे चल रही है, पहला परिणाम जो जीत के संदर्भ में आया वो कांग्रेस के पक्ष में गया, और जम्मू कश्मीर में भाजपा पीछे चल रही है पर पहला परिणाम जो आया है वो भाजपा की जीत के संदर्भ में आया है।